Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, we were doing unit number 2, that is science and technology. Okay, and we have discussed some of the topic from our unit number 2, that was green energy. So green energy we have discussed in our previous session. So today I'm going to start with the next topic, that is accidental inventions. Okay, and this is given at page number 80, accidental inventions. So all of you kindly open your books at page number 80, that is accidental inventions. Okay, so here in this topic, okay, so first of all, just read the heading, and then you will came to know that what topic we will discuss in this session. Dekhi, here it is given, some of the world's greatest inventions were achieved by happy accidents. Learn more about somehow how some experiments that seem to grow wrong resulted in the product that change our lives. Okay, so dekhi, आपको पता है हमारे आसपास बहुत सारी चीजें दैट वी कैन सी अराउंड अस, तो इसमें से कुछ चीजें हैं. ओके, तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिसकी इन्वेंशन हुई है. एवरीथिंग हैज बीन इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड. ओके, सो टुडे हियर आई एम टॉकिंग यू अबाउट सम ऑफ द इन्वेंशंस दैट टेकन प्लेस दैट हैड टेकन प्लेस एक्सीडेंटली, जो कि नोइंगली नहीं एक्सीडेंटली मतलब वो हुई है. ओके, सो दीज आर नोन एज एक्सीडेंटल इन्वेंशंस. इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सीडेंटल इन्वेंशंस. ओके, सो एक्सीडेंटल इन्वेंशंस मीन जी मतलब दे वांट टू डू समथिंग एल्स बट वो हो कुछ और ही गया. ओके, सो इसमें हम बात करेंगे अलग अलग चीजें जो कि जिनको बनाने के लिए दैट दे हैव नेवर इवन थिंक ऑफ इट, उन्होंने उसके बारे में सोचा नहीं था, बट ऐसे ही एक्सीडेंटली वो चीजें जो है बन गई. ओके, सो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका जो एक्सीडेंटल इन्वेंशन हुआ है कि जो ना चाहते हुए भी उनका इन्वेंशन हो गया. ओके, चलिए, सो हियर वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज माइक्रोवेव ओवन. तो देखिए, माइक्रोवेव ओवन जो कि हम अब डेली यूज करते हैं, आपके घर में होगा भी, तो यू मस्ट बी यूजिंग इट. तो जिसमें कि हम खाना बनाते हैं. ओके, खाना गरम करते हैं. सो माइक्रोवेव ओवन इज देयर, बेकिंग इज देयर, कुकिंग इज देयर. सो सम पीपल दे यूज मतलब कुछ लोग इसको इसमें खाना भी बनाते हैं, बेकिंग भी करते हैं. ओके, सो माइक्रोवेव ओवन क्या है, सो लेट्स सी हाउ इट वाज इन्वेंटेड एंड हु इन्वेंटेड माइक्रोवेव ओवन. सो माइक्रोवेव ओवन वॉज इन्वेंटेड बाय पर्सी स्पेंसर, हु वॉज एन इंजीनियर एट अ कंपनी कॉल्ड रेथन. When working with electric magnetic waves, he noticed that the chocolate bar in his pocket had melted because of the heat produced. He thus made the first microwave by passing these waves through a closed metal box. Okay, so now here we are talking about the inventions of microwave oven. So microwave oven ki hum baat kar rahe hain. Okay, wo kisne invent kiya tha? तो माइक्रोवेव ओवन बेटा इन्वेंट करने वाले कौन थे, दैट वाज पर्सी स्पेंसर. ओके, दैट वाज पर्सी स्पेंसर. सो हाउ माइक्रोवेव ओवन वाज इन्वेंटेड, सो एट द पर्सी स्पेंसर ही वाज एन इंजीनियर इन अ कंपनी नेम रेथनॉन. सो रेथियन नाम की एक कंपनी थी, वहां पे पर्सी स्पेंसर ही वाज एन इंजीनियर. ओके, तो एक बार वो इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स के साथ काम कर रहे थे, दैट मीन्स ही वॉज डूइंग सम वर्क with electric and the magnetic waves. Okay, then suddenly he noticed कि उनकी पॉकेट में जो एक चॉकलेट बार थी, जिसको हम बोलेंगे चॉकलेट थी, वो मेल्ट होनी शुरू हो गई. ओके, बिकॉज ऑफ द हीट, बिकॉज ही वॉज वर्किंग इन अ रूम एंड ड्यू टू द हीट ड्यू टू द हीट दैट इज प्रेजेंट इन दैट रूम, इसकी वजह से जो वो चॉकलेट जो उनकी पॉकेट में, दैट स्टार्ट गेटिंग मेल्टेड. सो दस ही उन्होंने इसी से चीज से एक आइडिया लिया. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्लोज एक बंद मेटल का बॉक्स लिया एंड उसमें से उन्होंने ये वेव्स पास ऑन की. ओके, सो दस ही मेड द फर्स्ट माइक्रोवेव बाय पासिंग दीज वेव्स थ्रू अ क्लोज मेटल बॉक्स. तो उन्होंने एक क्लोज बंद मेटल बॉक्स लिया और उसमें से जो वेव्स हैं जो पास ऑन करनी शुरू की.
ठीक है, एक-एक मेटल बॉक्स में से उन्होंने वो जो वेव्स, मतलब वेव्स मींस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी उसमें से उन्होंने पास ऑन करनी शुरू की. ओके, तो उन्होंने क्या देखा था, जब उन्होंने जो उस क्लोज्ड मेटल बॉक्स में जो वेव्स पास ऑन की, तो देखा जो उसके अंदर जितनी भी चीज थी मतलब वो गर्म हो गई. सो दिस इन्वेंशन ऑफ माइक्रोवेव ओवन टुक प्लेस. इस तरह से जो माइक्रोवेव ओवन की जो इन्वेंशन है वो हुई थी. सो माइक्रोवेव ओवन, हु इज द इन्वेंटर, हु इन्वेंटेड माइक्रोवेव ओवन, दैट इज पर्सी स्पेंसर. एंड वन डे ही वॉज वर्किंग विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ कंपनी, इन हिज कंपनी, एंड सडनली ही नोटिस, उन्होंने क्या नोटिस किया, दैट पॉकेट दैट ही हैड केप्ट इन हिज पॉकेट स्टार्टेड मेल्टिंग. ओके, ड्यू टू द हीट दैट इज प्रेजेंट इन दैट रूम. ओके, एंड दस द आइडिया ऑफ माइक्रोवेव ओवन कम इन टू हिज माइंड. देन ही मेड द माइक्रोवेव, उन्होंने क्या ऐसा क्लोज मेटल बॉक्स बनाया एंड उसमें से उन्होंने वही मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रो वेव्स पास ऑन की, जिसकी वजह से जो माइक्रोवेव की इन्वेंशन हुई. सो नाउ डेज वी कैन कुक फूड, वी कैन रोस्ट फूड, वी कैन बेक फूड इन दिस माइक्रोवेव ओवन्स. नेक्स्ट इज वेलक्रो. सो सेकेंड इन्वेंशन, सेकेंड एक्सीडेंटल इन्वेंशन इज वेलक्रो. नाउ हाउ द वेलक्रो इज इन्वेंटेड, लेट्स रीड अबाउट इट. सो स्विस इंजीनियर जॉर्ज डी मेस्ट्रेल discovered velcro, a fastener for clothes or other items, after he noticed how some sticky seeds stuck to his dog's collar when he took him out for a walk. After studying under a microscope how the seeds had tiny hooks to grip on the clothes, he applied the same principle to develop the velcro. तो देखिए वेलक्रो क्या है, जिसको देखिए वेलक्रो क्या होती है, आपने देखा जो कि मोस्टली दिस वेलक्रोज आर यूज्ड ऑन द शूज, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रंस शूज, सो दैट यू कैन इजीली एंड रैपिडली टाई एनीथिंग, किसी भी चीज को जल्दी बांधने के लिए, उसको टाई करने के लिए यू यूज दिस वेलक्रो. सो वी जनरली यूज दिस. तो इसमें क्या होता है, वेलक्रो क्या होती है, एक चेपी जैसी होती है बेटा. ओके, जब आप इन दोनों का आपस में चिपकाते हो तो वो जैसे कि स्पेशली जो हमारे फ्लोटर्स होते हैं ये बच्चों के शूज के ऊपर होते हैं, सो उसके ऊपर वेलक्रो लगी होती है, आपने देखा होगा. ओके, ये कई कलर्स में अवेलेबल हैं. सो दिस स्विस इंजीनियर जॉर्ज डी मेस्ट्रेल डिस्कवर्ड वेलक्रो. सो हु इन्वेंटेड वेलक्रो, वेलक्रो किसने इन्वेंट की थी. सो वेलक्रो वॉज इन्वेंटेड बाय अ स्विस इंजीनियर, तो स्विट्जरलैंड के एक इंजीनियर थे एंड हिज नेम वॉज जॉर्ज डी मेस्ट्रेल. सो जॉर्ज डी मेस्ट्रेल जो थे उन्होंने वेलक्रो का इन्वेंशन किया था. ओके, एक बार व्हेन वन डे ही इन्होंने क्या किया, दैट ही टुक हिज डॉग फॉर अ वॉक. उन्होंने एक दिन वो अपने डॉग को लेके एक वॉक के लिए गए, तो उन्होंने क्या देखा, रास्ते में कुछ चिपचिपे स्टिकी सीड्स, कुछ चिपचिपे जो सीड्स थे दैट स्टक्स इनटू द कॉलर ऑफ दैट डॉग्स डॉग्स कॉलर. तो उनके डॉग के कॉलर के ऊपर कुछ चिपचिपे से जो स्टिकी जो सीड्स हैं वो चिपक गए, जो कि दैट आर नॉट एबल दैट ही इज नॉट एबल टू पिक इट अप इजिली. ओके, सो देन ही टुक इट आउट फॉर, सो आफ्टर स्टडिंग ऑन द माइक्रोस्कोप देन ही टुक दैट सीड्स, जो उनके डॉग के कॉलर पे चिपके हुए सीड्स थे उन्होंने उसको लेके ही जस्ट स्टडीड इट अंडर अ माइक्रोस्कोप. ओके, एंड उन्होंने देखा कि जो ये सीड्स हैं, ये छोटे छोटे सीड्स हैं, इनकी जो ग्रिप है दैट इज क्वाइट वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इट कैन इजिली स्टिक टू द क्लोथ्स एज वेल. तो वो इजिली क्लोथ्स के ऊपर, कपड़ों के ऊपर भी चिपक जाते हैं. सो विद द सेम प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल को ध्यान रखते हुए, मतलब इसी के बेस पे ऊपर ही हैज इन्वेंटेड द वेलक्रो. सो वेलक्रो इज एन ओके, स्पेशली दिस इज यूज फॉर फास्टनर फॉर क्लोदिंग, फास्टनर फॉर क्लोथ्स एंड अदर आइटम्स. तो किसी भी चीज को जल्दी से चिपकाने के लिए, बांधने के लिए वी कैन यूज द, वी आर यूजिंग वेलक्रो. एक्चुअली वी आर ऑलरेडी यूजिंग दिस वेलक्रो नाउ अ डेज. ओके, सो ये चिपकाने के लिए, किसी भी चीज को जल्दी से चिपकाने के लिए दिस वेलक्रो इज बीइंग यूज्ड. ओके, एंड दिस वेलक्रो इज बीइंग यूज्ड. ओके, एंड दिस वाज द हु इज नाउ द क्वेश्चन हियर अराइजेस इज, देखिए मेन आपको याद कर रखना है दैट हु इन्वेंटेड वेलक्रो. तो देखिए ही वाज जस्ट टेकिंग हिज डॉग फॉर अ वॉक. तो इसका भी एक्सीडेंटल इन्वेंशन हुआ ना, कि वो अपने डॉग को वॉक के लिए लेके गए एंड व्हेन ही केम बैक, तो उन्होंने देखा कि कुछ सीड्स हैं उनके डॉग के कॉलर के ऊपर चिपके हुए हैं. एंड जब उन्होंने उस सीड्स की स्टडी की माइक्रोस्कोप में, तो उन्होंने देखा ये किस तरह से चिपके हुए हैं, कि दैट इसको निकालना बहुत ईजी नहीं है. तो इसी बेसिस पे उन्होंने सोचा कोई ऐसी चीज हमें इन्वेंशन के लिए सोचा कि जिसको आप इजिली चिपका सको, जो कि इजिली स्टक हो जाए, चिपक जाए, बट उसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो, मतलब थोड़ा सा उसमें इट जस्ट टेक अ टाइम. सो दिस इज हाउ ऑन दिस प्रिंसिपल व्हाइल एम्प्लाइंग दिस सेम प्रिंसिपल ही इन्वेंटेड द वेलक्रो. इसी प्रिंसिपल को
अप्लाई करते हुए दिस मैस्ट्रल द जॉर्ज डी मैस्ट्रल हैज इन्वेंटेड दी वेलक्रो. ओके चलिए. ओके सो द नेक्स्ट थिंग लेट्स टॉक अबाउट इज ब्रिटिश मेटलर्जिस्ट हैरी ब्रेवरली वॉज गिवन द टास्क फॉर फाइंडिंग अ मेटल दैट डिड नॉट रस्ट सो दैट गन पार्ट्स कुड बी मेड टू लॉन्ग लास्ट लॉन्गर. मोस्ट ऑफ हिज अटेम्प्ट्स फेल्ड and his pile of scrap metal grew. One day he chanced upon one piece of his pile of the pile that had not developed rust, and this was the basis of the inventions of stainless steel. Okay, so देखिए जो एक British के Britain के England के एक metallurgist थे. Metallurgist कौन होते हैं बेटा? Metallurgist are those person who study metals. Metallurgist कौन होते हैं? The person or the people who study metal, they are known as metallurgists. So here we are talking about a metallurgist, okay, whose name is Harry Brerley. Okay, so he is Harry Brerley and he was a metallurgist. Okay, so unko ek kaam diya gaya, he was given a task, he was assigned with a task for finding a metal that do not rust, so that the gun parts could be मेड टू लास्ट लॉन्गर. तो उनको एक टास्क दिया गया कि आपको एक ऐसा मेटल इन्वेंट करना है या डिस्कवर करना है कि जो जल्दी जिसको रस्ट ना हो, जो जल्दी जिसको जंग ना लगे. ओके सो यू हैव टू इन्वेंट सच अ मेटल दैट डू नॉट रस्ट इजिली, जो जल्दी जिसमें जंग ना लगे. ओके जो दैट डजंट गेट रस्ट इजिली, और मतलब जिसमें जल्दी जंग ना लगे, जिसका जल्दी मतलब देखिए जो बिकॉज दे वर यूजिंग द आयरन. ओके सो वो क्या करते थे? दे वर यूजिंग द आयरन फॉर द गन्स. ओके और द पार्ट्स ऑफ द गन्स. तो गन बनाने के लिए, उसके पार्ट्स बनाने के लिए दे वर यूजिंग आयरन. एंड यू नो कि जो आयरन है, जो लोहा है, वो बहुत जल्दी जंग उसमें लग जाती है, रस्ट लग जाती है. ओके जिसकी वजह से दैट द गन्स दे वर यूजिंग दैट वर नॉट लॉन्ग लास्टिंग, वो काफी देर लंबे समय तक उसको यूज नहीं कर सकते थे. ओके एंड दिस इज ऑल्सो कॉस्टिंग देम अ लॉट ऑफ कॉस्ट, जिसकी वजह से उनको बहुत कॉस्ट भी पड़ रही थी. So they have given a task to their metallurgist. उन्होंने अपने एक experienced metallurgist जो कि Harry Brevelle थे, उनको task दिया कि now you have to find a metal that do not rust easily, जो जल्दी जल्दी जिसको जंग ना लगे. Okay, so that they can make the guns and their parts with that metal. Okay, but he had made many lots of attempts. उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने बहुत सारे attempts किए, but every time he got failed. बट जितनी बार भी वो कोशिश कर रहे थे अलग अलग तरीके से ऐसा मेटल बनाने की, इन्वेंट करने की, तो क्या वो हर बार वो फेल होते जा रहे थे. दैट ही वॉज नॉट एबल टू मेक एनी सच मेटल जो कि रस्ट नहीं होता था, वो बार बार फेल होते जा रहे थे. ओके फिर उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे वो अटेम्प्ट करते जा रहे थे, एज ही वॉज ट्राइंग टू मेक सच अ मेटल, तो जैसे जैसे वो बनाते थे, देखे तो कुछ ना कुछ स्क्रैप, कुछ ना कुछ बचा हुआ जो उसका पार्ट था, ही वॉज जस्ट थ्रोइंग इट समवेयर. वो उसको एक जगह फेंकते जा रहे थे. जैसे कि सपोज उन्होंने कोई अटेम्प्ट किया, उन्होंने एक कोशिश की, बट जो उन्होंने कोशिश की, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो सक्सेसफुल नहीं किया हुआ, तो उन्होंने वो फेंक दिया. फिर उन्होंने दूसरा लिया, फिर उसके ऊपर कुछ और एक्सपेरिमेंट किया, उसको कोशिश की, वो भी उनका सक्सेसफुल है, तो उन्होंने फिर उसको फेंक दिया. सो ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट किए, तो जिसकी वजह से उनको, उन्होंने अटेम्प्ट तो बहुत बार किए, लेकिन जिसकी वजह से जो कूड़ा था, जिस मतलब दैट पाइल वेयर ही वॉज थ्रोइंग ऑल हिज एक्सपेरिमेंट्स, That grew up. वो बहुत बड़ा एक मेटल का पाइल बन गया. बट वन डे क्या हुआ, ही वॉज जस्ट पासिंग बाय दैट पाइल, एक दिन जस्ट वैसे ही वो उस पाइल से, वो जो ढेर था जस्ट ग्रू का, स्क्रैप का जो वहां पे पड़ा था, ही वॉज जस्ट पासिंग बाय इट, देन ही नोटिस्ड देर वॉज अ मेटल दैट वॉज प्लेस देयर, बट वो उसको बट उसपे कोई भी किसी भी तरह का जंग नहीं लगा था. तो जब वो वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पे एक ऐसा मेटल था, मतलब जो उन्होंने कूड़ा फेंका था या स्क्रू जो उन्होंने फेंका था, जितना भी पाइल जो उसमें फेंका था, मतलब उनकी जो यू कैन से दिस द अटेम्प्ट दैट ऑल ही मेड, ओके ऑल द स्क्रैप दैट ही हैड थ्रोन, ओके उसमें से उन्होंने क्या देखा कि उस वहां पे एक ऐसा चीज पड़ी है जिसमें कि अभी तक जंग नहीं लगी, बाकी सब जितनी भी चीजें पड़ी थी दैट हैज गॉट रस्टेड, बट दिस मेटल डिडंट गॉट रस्ट, इतने दिनों के फेंके होने के बावजूद भी उसमें रस्ट, उसमें भी जंग नहीं लगी थी. सो दिस चांस इज अपॉन टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस
स्टेनलेस स्टील, इसी तरह उन्होंने स्टेनलेस स्टील की इन्वेंशन की। फिर उन्होंने क्या किया होगा, ये बेसिकली मतलब इफ वी केम विद एन आइडिया कि उन्होंने उसके बाद क्या किया होगा, जब उनको मिला होगा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो मेटल लिया एंड उसको लेके गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने कैसे कैसे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, एंड दस द स्टेनलेस स्टील वॉज इन्वेंटेड बाय हैरी ब्रेवरली। ओके, सो हु इन्वेंटेड स्टेनलेस स्टील, दैट इज अ ब्रिटिश मेटलर्जिस्ट, दैट इज हैरी ब्रेवरली। तो हैरी ब्रेवरली इन्वेंटेड दी स्टेनलेस स्टील। क्लियर? मूविंग नेक्स्ट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। रशियन केमिस्ट कॉन्स्टेंटिन फेल्बर वाज एक्सपेरिमेंटिंग विद प्रिजर्वेटिव्स व्हाइल ईटिंग अ ब्रेड रोल व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट द ब्रेड हैड बीन स्वीटेंड बिकॉज ऑफ द सब्सटेंस लेफ्ट ऑन हिज हैंड। हिज ऑब्जर्वेशन लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड्स First artificial sweetener, also called saccharin. Okay, so artificial sweetener. Artificial sweeteners क्या होते हैं बेटा? Okay, so artificial sweeteners you can say like the nowadays we are using sugar free and many other things. Okay, that are artificial sweetener जो कि मीठे का एक they are working in substitute. So ये होते हैं artificial sweetener, जैसे कि हम sugar free वगैरह की बात करें, ये सब क्या है? Artificial sweetener. रशियन केमिस्ट कॉन्स्टेंटिन फेल्बर, रशिया के केमिस्ट थे, सो हिज नेम इज रशियन कॉन्स्टेंटिन फेल्बर। रशिया के एक केमिस्ट थे जिनका नाम था कॉन्स्टेंटिन फेल्बर। ओके, एक वन डे ही वॉज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद द प्रिजर्वेटिव्स व्हाइल ईटिंग ब्रेड रोल। तो एक बार ब्रेड रोल खाते वक्त वो ही वाज जस्ट एक्सपेरिमेंट, ही वाज जस्ट डूइंग सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ओके, एंड एट दैट टाइम ही वाज ईटिंग द ब्रेड रोल, बट व्हेन ही वाज ईटिंग दैट ब्रेड रोल सडनली ही टेस्टेड अ स्वीटनेस इन दैट ब्रेड रोल। जब वो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए जब वो ब्रेड रोल खा रहे थे, सो उन्होंने देखा कि जो ब्रेड रोल दैट ही वाज ईटिंग इट गॉट, मतलब उसका जो टेस्ट है वो मीठा मीठा लगा, इट जस्ट गॉट स्वीटेंड। ओके, एंड जब उन्होंने नोटिस किया कि वो मीठा क्यों आ रहा है, सो व्हाई दैट ब्रेड रोल इज व्हाई दैट ब्रेड रोल टेस्टिंग स्वीट, व्हाई दैट ब्रेड रोल इज स्वीटेंड, वो मीठा क्यों हो गया। ओके, सो देन ही डिस्कवर्ड कि उनके हाथ में देयर इज अ समथिंग दैट इज, देखो इनके हाथ पे कुछ लगा हुआ रह गया, कुछ सब्सटेंस था, देयर इज समथिंग दैट सम सब्सटेंस इज लेफ्ट ऑन हिज हैंड, जिसकी वजह से जो ब्रेड रोल है दैट ही वाज ईटिंग उसका जो टेस्ट है वो क्या हो गया, मीठा हो गया। सो देन ही ऑब्जर्व हिज ऑब्जर्वेशन, ओके देन ही ऑब्जर्व कि उनके हाथ में क्या सब्सटेंस था जो लगा रह गया। ओके, देन ही जस्ट ऑब्जर्व इट एंड देन दिस आर्टिफिशियल हिज ऑब्जर्वेशन लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर। और इसको And this artificial sweetener is also known as the saccharin. So these artificial sweeteners, they are also known as saccharin. Okay. So who is he? So Russian chemist Konstantin Feldberg. So Russia ke chemist the jinka naam tha Konstantin Feldberg. Unhone he has invented the artificial sweetener. So one day क्या किया था उन्होंने, जस्ट ही वॉज जस्ट ईटिंग अ ब्रेड रोल वाइल डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स एंड सडनली ही नोटिस द चेंज इन द टेस्ट ऑफ द ब्रेड ही वॉज ईटिंग बिकॉज इट गॉट स्वीट, नो थोड़ा सा मीठा टेस्ट करने लग गया। तो उन्होंने देखा कि जो ब्रेड मैं पहले खा रहा था उस टाइम पे वो मीठा नहीं था, नाउ इट इज टेस्टिंग समथिंग लाइक स्वीट, मीठा सा टेस्ट कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इसका मीठा टेस्ट क्यों आ रहा है, सो देन ही हैज ऑब्जर्वड कि उनके हाथ में कुछ ऐसा केमिकल या सब्सटेंस लगा रह गया था जिसकी वजह से जो ब्रेड का जो टेस्ट था केमिकल क्या केमिकल या क्या सब्सटेंस लगा है, तो उन्होंने उसी के ऑब्जर्वेशन के अंडर ही हैज इन्वेंटेड द आर्टिफिशियल स्वीटनर एंड दिस आर्टिफिशियल स्वीटनर इज ऑल्सो नोन एज सैक्करिन। ओके, सो दिस इज Saccharin. So this is another artificial sweetener. So this is the artificial sweetener that was invented by the Russian chemist Konstantin Feldberg. Okay. So now we have done the four. देखिए four accidental inventions. अभी और भी हैं तीन. We will do that as well. So देखिए first of all let's recall all them. So first was microwave oven. So that was invented by Percy Spencer.
सेकेंड वॉज वेलक्रो. सो वेलक्रो वॉज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज टी मेस्ट्रल. ओके. थर्ड वॉज स्टेनलेस स्टील, द मोस्ट कॉमन मेटल, द मोस्ट कॉमनली यूज मेटल दीज डेज, दैट इज स्टेनलेस स्टील इन्वेंटेड बाय हैरी ब्रेरली. ब्रेरली हिज नेम इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. लास्ट इज आर्टिफिशियल स्वीटनर एंड इट वॉज इन्वेंटेड बाय कॉन्स्टेंटिन फेलबर्ग. ओके. नेक्स्ट इज प्लास्टिक. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्लास्टिक. सो प्लास्टिक वी आर यूजिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक दीज डेज, दो दे आर वेरी हार्मफुल बट स्टिल वी आर यूजिंग इट बिकॉज इट्स क्वाइट वेरी इजी टू हैंडल द प्लास्टिक मटीरियल और टू कैरी द प्लास्टिक मटीरियल. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लास्टिक. सो हेयर इट इज गिवेन. यूएस केमिस्ट लियो बेकलेन वॉज एक्सपेरिमेंटिंग विद साइंथेटिक सब्सटेंसेस वेन ही डिस्कवर्ड दैट इफ ही हीटेड इट एंड लेट इट कूल इट फॉर्म्ड अ सॉलिड विच डिज नॉट डिजॉल्व इन वॉटर एंड डिड नॉट सॉफ्टन इजिली वेन हीटेड. He named this material after him as a bakelite and it was later named as plastic. So, dekhiye how this plastic is invented. So, this plastic is also a accidental invention. So, ye plastic hai, ye bhi ek accidental invention hi hai. So, there's a chemist from the US, okay, whose name is Leo Backlund. So, there's a chemist whose name is Leo Backlund and he was from US. So, wo US se the. ओके. सो ही एक दिन वो ही वॉज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद साइंथेटिक सब्सटेंसेस. तो वो किसी एक साइंथेटिक से बनी हुई चीज के साथ ही वॉज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद दैट. ओके. एंड देन ही सडनली नोटिस, सडनली ही डिस्कवर्ड. ओके. वो जो एक साइंथेटिक जिसको वो एक्सपेरिमेंट करते थे, उन्होंने क्या देखा कि जब उन्हें उस चीज को कूल किया और उसको उसके बाद जब वो ठंडा हुआ तो उसने एक फॉर्म में, मतलब अर्लियर इट वॉज इन द शेप ऑफ सम लिक्विड. देखा प्लास्टिक अगर आपने कभी जलता हुआ देखा होगा तो बहुत देर तक उसको हीट करो तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है. सो जस्ट लाइक दैट ही वाज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद सम सब्सटेंस एंड उन्होंने देखा कि जब वो सब्सटेंस, जब वो चीज ठंडी हो गई तो उसने एक सॉलिड फॉर्म ले लिया, एक मतलब ठोस सी एक शेप ले ली. एंड फिर उन्होंने उसी चीज को, सॉलिड चीज को पानी के अंदर डाल के देखा कि क्या वो उसके अंदर डिजोल्व होती है, उसके अंदर घुलती है. सो नो, इट डिडंट डिजोल्व इन दैट एज वेल. फिर उन्होंने दोबारा उसको हीट करके देखा. जो उन्होंने उसको दोबारा हीट किया तो उसने जो मेल्टिंग है वो बहुत जल्दी शुरू नहीं की. इट टुक हिम अ लॉट्स ऑफ टाइम टू मेल्ट दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस और दैट सब्सटेंस. तो उन्होंने क्या देखा कि जब हम उसको दोबारा से हीट करके उसको कोशिश करें डिजोल्व करने के लिए तो वो मेल्ट तो हो रही है लेकिन बहुत टाइम के बाद. ओके. सो दस ही दिस प्लास्टिक वॉज इन्वेंटेड. ओके. एंड पहले तो उन्होंने अपने ही नाम के ऊपर ही हैज नेम्ड इट एज द बेकलाइट. सो अपने ही नेम के ऊपर ही हैज नेम्ड दिस सब्सटेंस एज बेकलाइट बट लेटर ऑन ही हैज रीनेम्ड इट एज प्लास्टिक. बट बाद में उन्होंने इसका नाम चेंज करके ही रीनेम्ड इट एज प्लास्टिक. सो नाउ द प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बकेट्स, प्लास्टिक द वेरियस थिंग्स दैट वी आर, प्लास्टिक चेयर्स इवन वी आर यूजिंग नाउ डेज. सो नाउ हु इन्वेंटेड प्लास्टिक, दैट इज लियो बेकलैंड. सो लियो बेकलैंड ही हैज इन्वेंटेड दिस प्लास्टिक. Okay, through an accidental invention that he was doing with a synthetic substance. Okay, the earlier name of plastic, so earlier the plastic is known as the bakelite, so nowadays it is known as plastic. Clear? Chaliye, moving next, that is, now we will talk about the super glue. Okay, super glue kya hoti hai, jo bahut hi जबरदस्त चिपक जाती है बेटा. इट इज इजी टू, मतलब उसको, उसका जो ग्लू का चिपकना है उसको तोड़ना बहुत इजी नहीं होता. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द सुपर ग्लू. सो नाउ व्हाट इज सुपर ग्लू. सो सुपर ग्लू इज, अमेरिकन केमिस्ट हैरी कूबर वाज अटेम्प्टिंग टू मेक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक गन साइट्स टू हेल्प सोल्जर्स इन द वर्ल्ड वॉर टू टू इम्प्रूव देयर एम. ओके. व्हेन ही मेड एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ग्लू, दिस ग्लू ड्राइड वेरी क्विकली, thus leading to the invention of super glue. Okay, so in America, he was also one of the chemists. So he is another chemist of the America only. So, and his name is Harry Coover. Okay, so his name is Harry Coover. So he was just attempting to make transparent plastic gun sights to help their soldiers in World War II. So जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो अपने सोल्जर्स को, अमेरिका के सोल्जर्स को अपनी जो निशानेबाजी है उसको सुधारने के लिए उन्होंने क्या सोचा, वो अपने जो सोल्जर्स हैं उनके निशानेबाजी सुधारने के लिए, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस कर सके, तो वो एक ऐसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की गन साइट्स बना रहे थे जहाँ पे वो अपने निशाने की प्रैक्टिस कर सके.
एंड व्हेन ही वाज मेकिंग दैट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक गन साइट टू हेल्प हिज सोल्जर्स, सो देन ही जस्ट मेड दिस उस एक्सपेरिमेंट के दौरान एंड व्हाइल मेकिंग दोज पावरफुल सॉरी व्हाइल मेकिंग दोज गन साइट्स फॉर हिज सोल्जर्स ही इन्वेंटेड दिस एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ग्लू. ओके, उन्होंने इस जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लू का इन्वेंशन कर दिया. ओके, दिस ग्लू ड्राइड वेरी क्विकली. तो जब उन्होंने देखा कि जो जो चीज बनी है, जैसे उसको उन्होंने उसको यूज किया, वो एकदम से जल्दी से क्या हो गई, ड्राई हो गई, वो बहुत जल्दी सूख गई. दस लीडिंग टू द इन्वेंशन ऑफ सुपर ग्लू. इस तरह से जो उसकी सुपर ग्लू की इन्वेंशन हुई. ओके, सो दिस सुपर ग्लू वॉज इन्वेंटेड बाय एन अमेरिकन केमिस्ट हुज नेम इज हैरी कूवर. So this this super glue is invented by an American chemist. His name is Harry Coover. And one day he was trying to he was attempting actually to make the to make a transparent plastic gun sights for his soldiers so that they can improve their aim during the World War II. So, but suddenly he just discovered the thing that he had made. जब उन्होंने देखा कि उन्होंने कैसी चीज बना दी है जो कि बहुत जल्दी सूख जाती है. ओके, एंड इट इज क्वाइट वेरी स्ट्रॉन्ग एज वेल, मतलब उसको उससे कोई भी चीज चिपक जाए तो वो जल्दी से उससे उखड़ नहीं रही है, मतलब दैट इज नॉट एबल टू, यू कैन डिटैच इट इजिली. ओके, सो विद दिस ही केम अप विद द आइडिया ऑफ दिस ग्लू एंड लेटर ऑन ही नेम्ड इट एज अ सुपर ग्लू. सो द इन्वेंटर ऑफ द सुपर ग्लू इज हैरी कूवर. हैरी कूवर. मूविंग नेक्स्ट टू द थर्ड इज on this page, that is penicillin. Now what is penicillin? Let's talk about penicillin. Okay, penicillin kya hai beta? Penicillin, a medicine used to fight bacteria in the body, okay, was invented by Scottish bacteriologist Alexander Fleming when he accidentally left a laboratory dish with the influenza virus outside and left on holiday. Okay, upon his return he saw that although the dish was started to develop mold, there was a ring around the mold which had no bacteria. This mold juice from the ring led to the discovery of the penicillin. देखिए penicillin जो medicines हैं जो 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 कि generally doctors देते हैं for bacteria. Bacteria अगर जब भी कभी ज़्यादा हो जाते हैं body में, तो the doctors they recommend you to use this, they just give you this penicillin medicine. ओके, सो ये मेडिसिन किस लिए यूज होती है? दिस इज मेडिसिन इज यूज फॉर फाइटिंग विद बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए दिस पेंसिलिन इज स्पेशली गिवन बाय द डॉक्टर्स. ओके, सो दिस वाज गिवन बाय द डॉक्टर्स फॉर फाइटिंग द बैक्टीरिया. ओके, सो नाउ हाउ द पेंसिलिन वाज इन्वेंटेड. सो दिस पेंसिलिन वाज इन्वेंटेड बाय अ स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट. स्कॉटलैंड के एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे. ओके, हिज नेम वाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ओके, सो वन डे ही लेफ्ट अ लेबोरेटरी डिश. तो अपनी लेबोरेटरी की एक डिश थी, उसको ऐसे ही छोड़ के इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ छोड़ के उसको अपनी लेबोरेटरी में ऐसे ही छोड़ के ही जस्ट वेंट ऑन अ हॉलीडे. ओके, वो एक हॉलीडे पे चले गए एंड उन्होंने अपनी लेबोरेटरी डिश को एक इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ रख के. And when he came back, जब उन्होंने वापिस आके क्या देखा, okay? And when he came, he saw that the जो dish है, जो उनकी dish है, वो mold होनी शुरू हो गई है, but उसके आसपास एक ring बन गई है. और जब उन्होंने उस ring को देखा, तो हर तरफ bacteria थे. बस उस ring के आसपास, जहाँ पे वो influenza virus का था, there was no bacteria. So this principle of bacteria, sorry, mold juice, this mold juice. ओके, जो कि उन्होंने उस रिंग्स में उसमें उन्होंने पाया था, इन्होंने इस चीज को एज अ बेस लेते हुए ही हैज इन्वेंटेड द पेंसिलिन व्हिच इज नाउ इट यूज्ड फॉर ट्रीटिंग दैट इज गिवन बाय द डॉक्टर्स फॉर. ओके, सो दीज आर नाउ यूज्ड बाय द डॉक्टर्स. दे आल्सो गिव दिस पेंसिलिन मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट फॉर किलिंग द बैक्टीरिया. तो जो डॉक्टर्स हैं ये बैक्टीरिया के लिए पेंसिलिन के मेडिसिन देते हैं सो दैट द पेशेंट इज गेट रिड ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन इट्स बॉडी. ओके, सो दिस रिंग दैट ही हैज सीन, उन्होंने जब उनको उन्होंने को चेक किया, द मोल्ड जूस को चेक किया, तो उन्होंने देखा कि हर तरफ देर वॉज बैक्टीरिया बट देर इज नो बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन दैट मोल्ड जूस एंड दिस लेड हिम टू द डिस्कवरी ऑफ द पेंसिलिन. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द साइंस एज वेल. ओके, सो दैट इज पेंसिलिन. सो हु इन्वेंटेड पेंसिलिन? सो पेंसिलिन वॉज इन्वेंटेड बाय अ स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट हुज नेम इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग.
हुज नेम इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ओके सो नाउ वी केम अप द इन दिस टॉपिक सॉरी इन दिस पेज वी लर्न अबाउट द थ्री इन्वेंशंस एक्सीडेंटल इन्वेंशंस दैट वाज प्लास्टिक. प्लास्टिक वाज इन्वेंटेड बाय लियो बैकलैंड. Second, super glue was invented by Harry Coover, and the third is penicillin, and the penicillin was invented by the Scottish bacteriologist Alexander Fleming. Okay, so these are the various great inventions. Here the quick quiz is also there. Okay, so yahan dekhiye hamare paas quick quiz diya hua hai. You need to write the names of the inventors of the following dishes from the by using the Google. Okay. So with this, I'm just ending the today's session here only class. So I'll see you again very soon in our next session. So till then, everybody, have a great day.